नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करें, लेकिन पहले सुर्खियां। यस बैंक के संकट से ग्राहकों में खलबली। चिदंबरम ने कहा, सरकार ने 2017 से जारी संकट को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। वित्त मंत्री बोली, खाताधारकों के पैसे पूरी तरह सुरक्षित। पीएम मोदी ने किया नागरिकता कानून का बचाव। सीएए के विरोध को बताया शरणार्थियों का विरोध। विरोधियों पर किया तीखा हमला। मध्य प्रदेश में बजट सत्र के बाद होगा कमलनाथ सरकार का विस्तार। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, कमलनाथ सरकार 100% सुरक्षित। कमलनाथ बोले, बिकाऊ नहीं है प्रदेश के नेता। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले। अब तक 31 मरीजों में कोरोना की पुष्टि। पंजाब सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित किया। मौसम ने फिर मारी पलटी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। मैदानी इलाकों में बारिश। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बाद देश के प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंकों में शामिल यस बैंक के लाखों ग्राहक शुक्रवार को देश भर में यस बैंक की ब्रांचों के बाहर लंबी कतारों में लगे नजर आए। बैंक में जमा पूंजी को लेकर ग्राहक चिंतित हैं। वित्तीय गड़बड़ियों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने यस बैंक पर सख्त पाबंदी लगा दी है। आरबीआई ने 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम की निकासी पर रोक लगा दी है। 50,000 रुपये की निकासी की ये सीमा 5 मार्च से 3 अप्रैल तक लागू रहेगी। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक को नया लोन देने और नए निवेश पर भी रोक लगा दी है। यस बैंक के बोर्ड को सस्पेंड किया गया है। एसबीआई के पूर्व अधिकारी प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। मेरे करीब 200-250 अकाउंट इसके अंदर है, लेकिन अभी लास्ट ही कल ही हमें स्टेटमेंट मिला है जो बैंक में मतलब 50,000 से ज्यादा मिलेगा ही नहीं, तो काफी तकलीफ हो रही है हमारे को सर। हमारे बीच में सैलरी भी पूरी अटक रही है हमारी, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है सामना करना पड़ रहा है। 38 के आसपास बैलेंस था। मैंने 49, 45 और 35 ये तीन ट्रांजेक्शन किए। तीनों ट्रांजेक्शन हो गए, मेरे अकाउंट से बैलेंस जो है वो भी लेस हो गया। मेरे पास मैसेज भी आ गया, मतलब आपका जिस बैंक में जो अकाउंट था उसका पैसा रिजर्व बैंक में चला गया, अकाउंट में नहीं। हाँ, मेरे दूसरे अकाउंट जिस अकाउंट में ट्रांसफर किया वहाँ पर नहीं पहुँचा, शो नहीं कर रहा वहाँ। कल रात को 5 लाख रुपये किसी पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, हमारे अकाउंट से डेबिट हो गए, बट पार्टी के अकाउंट में नहीं पहुंच। मैंने कल ही इस अकाउंट के अंदर 7 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कराया था। मेरी पार्टी ने 7 लाख रुपए इसमें डाले थे, लेकिन सुबह में जब निकालने के लिए गया तो यहाँ पर ये पता लगा कि बैंक बंद हो चुका है। आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप 50,000 रुपए से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हम अपना बिजनेस आगे कैसे करें, जब कैश के बिजनेस के अंदर हमारे पास पेमेंट ही नहीं होगा तो हम आगे काम कैसे कर पाएंगे। 50,000 रुपये में काम होते नहीं है, या घर के चला लो या अपना काम चला लो। यहाँ सैलरी अकाउंट है, अभी तक पेमेंट नहीं निकल पा रहा है। 2 दिन पहले ही सैलरी आई है, किसी भी एटीएम से कोई पैसा नहीं। 2 दिन पहले सैलरी आई थी तो वो कुछ भी पैसा निकाल नहीं पाया मैं, उसी में मेरा पैसा पड़ा है। रात से एटीएम, कितनी एटीएम ट्राई कर चुका हूँ, नेट बैंकिंग ट्राई कर चुका हूँ, यूपीआई ट्राई कर चुका हूँ, सब कुछ बंद है, सर्वर वगैरह सब कुछ। सवेरे पता लगा है तो ऐसा हमको तो था नहीं कि ऐसे एकदम हो जाएगा, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। कितने अकाउंट है आपके? एक ही अकाउंट है। तो अंदर गए तो कुछ बताया उन्होंने कि भी? हाँ, पहले तो कह रहे थे कि नेफ्ट करा सकते हो, आरटीजीएस करा सकते हो और विड्रॉल करा सकते हो केवल 50,000 तक। अब कह रहे कि नेफ्ट आरटीजीएस भी नहीं होगा, केवल विड्रॉल ही करा सकते हो 50,000। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिया है कि यस बैंक के हर खाताधारक का पैसा सुरक्षित है, किसी भी ग्राहक को कोई नुकसान नहीं होगा। सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रिजर्व बैंक ने यस बैंक के लिए पुनर्गठन योजना तैयार की है, जिसके तहत बैंक में 49% की इक्विटी लगाई जाएगी। सीतारमण ने यह भी कहा कि एसबीआई ने यस बैंक में निवेश की इच्छा जताई है। Our government is completely committed to ensure that the depositors' interest is completely safeguarded. Equally, I want the RBI to ensure that due process of law is set to roll with a sense of urgency so that we should find out as to who led to this problem, a problem of this size and magnitude in the Yes Bank. यस बैंक के संकट को लेकर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है।
चिदंबरम ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। चिदंबरम ने कहा कि क्या सरकार इस बात की पुष्टि करेगी कि यस बैंक की लोन बुक बीजेपी की निगरानी में 2014 से 2019 के दौरान कैसे बढ़ी। यस बैंक का एनपीए 5 साल में 55,633 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,41,499 करोड़ रुपए हो गया। चिदंबरम ने यह भी कहा कि पहले पीएमसी बैंक, अब यस बैंक, क्या सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है? क्या वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? क्या लाइन में कोई तीसरा बैंक है? चिदंबरम ने यह भी पूछा कि एसबीआई को यस बैंक में निवेश क्यों करना चाहिए। वित्त मंत्री सीतारमण और मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए चिदंबरम ने कहा कि कौन जानता है, वित्त मंत्री 2014 और 2019 के बीच अजीब छलांग के लिए यूपीए को दोषी ठहरा दें। यस बैंक पर पाबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी और उनके आइडिया ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नहीं, यस बैंक, मोदी और उनकी योजनाओं ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। वहीं यस बैंक की वजह से शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। यस बैंक के शेयर में करीब 58% की गिरावट आई है, जबकि बीएसई सेंसेक्स में 1100 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। वित्तीय संकट से जूझ रहे यस बैंक के लेन देन पर रिजर्व बैंक ने आंशिक तौर पर रोक लगा दी है। यस बैंक के ग्राहक अगले एक महीने के दौरान अपने खातों से 50,000 रुपये से ज़्यादा की रकम नहीं निकाल पाएंगे। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक ने यस बैंक के निदेशक मंडल को भी भंग कर दिया है। रिजर्व बैंक ने जिस तरह यस बैंक बोर्ड के अधिकार अपने हाथ में लिए और निकासी की सीमा तय की, उससे देश की वित्तीय क्षेत्र की सेहत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी किसी भी समस्या से निपटने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। आखिर इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? यस बैंक के मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर करारा वार किया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि देश में आर्थिक आपातकाल लागू हो गया है और वास्तव में इसकी शुरुआती साल 2014 है। पीएमसी अभी 6 महीने पहले हुआ, उससे पहले आईएलएनएफएस हुआ, आईडीबीआई हुआ, बहुत सारे बैंक घोटाले हुए। तो अगर अभी भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं, तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आंखें खोलना नहीं चाहते या फिर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि यस बैंक को सुधारने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि 30 दिन में बैंक की हालत सुधरने की पूरी उम्मीद है। We have the Reserve Bank has issued has in fact issued two press statements, press briefs yesterday. They explain in detail the background of our decision. And your question was how soon it will be done. It will be done very swiftly. It will be done very fast. 30 days which we have given is the outer limit, and you will see very swift action from the Reserve Bank of India to put in place a scheme to revive the Yes Bank. यस बैंक के मुद्दे पर अर्थशास्त्री प्रोफेसर वी उपाध्याय ने कहा है कि देश में वित्तीय संकट बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अब ये प्राइवेट बैंक है, लेकिन इसको एसबीआई के पैसे से या एलआई के पैसे से इसको इनडायरेक्टली बेल आउट करने की जो कोशिश की जा रही है, तो उसका मतलब तो ये हुआ कि जो आम आदमी का पैसा एसबीआई में, एलआईसी में है, उसका यूज करके सरकार एक प्राइवेट बैंक को, जिसकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी उस पैसे को यूज करके सरकारी कंपनियां, जहां पर सरकार का नियंत्रण है, उस तरह की कंपनियों को यूज करके इस तरह का काम किया जा रहा है, जो पहले शायद ऐसा कभी नहीं किया गया हो। सरकार कह रही है कि 30 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यस बैंक के ग्राहक खासे परेशान हैं। हमको जो है नेशनल न्यूज का जो टीवी चैनल सब है, उससे पता चला कि यस बैंक में जो है 50,000 का लिमिट कर दिया गया है और कोई भी ट्रांजैक्शन को रोक दिया गया है। तो हमारा चूँकि यहाँ अकाउंट्स है और हम एक संस्था प्रमुख हैं और हमारा अच्छा खासा पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशंस का पैसा रहता है, इसलिए हम बहुत चिंतित हैं। इसलिए कि वह पैसा तो अपने आप में मैनेज करने के लिए उसको पैसा निकाल भी नहीं सकते हम लोग, अगर ये इनका रहता है तो भी, लेकिन एक सिस्टम में हमको पैसा निकालना होता है और सब होली का समय है जिसमें सैलरी देना ये करना। जो अपना अमाउंट है हम अभी करंट में निकाल नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि 3 अप्रैल के बाद ही आप निकाल पाएंगे, और यदि आपका स्विंग में 50,000 है
तो आप निकाल सकते हैं। हमने कहा कि हमारा तो एफडी जमा है वहाँ कि एफडी ब्रेक नहीं हो पाएगा, अभी सिस्टम उसको एंटर नहीं कर रहा है उसके अंदर। मुझे बाहर निकलना, रास्ता निकलना है, मेरे पास अमाउंट नहीं है और इंटरनेट का जो ऐप है वो भी ब्लॉक कर रखा है इन्होंने। एक महीना के अंदर 50,000 रुपया ही निकल सकता है, तो एक बार में आप एक महीना के अंदर 50,000 रुपया निकालिए, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो तो बैंक वाले ही जाने। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काली ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फॉर द डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1-800-300-26072। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए एक होर्डिंग लगाई है। इस होर्डिंग में कई पोस्टर हैं जिनमें उन लोगों की तस्वीरें हैं और घर का पता, जिन्होंने सरकार के मुताबिक सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, और इस नुकसान की वसूली इस पोस्टर में शामिल लोगों से की जाएगी। इस होर्डिंग में योगी सरकार ने सदव जाफर, दीपक कबीर, पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी, मोहम्मद शोएब जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम भी शामिल किया है। आपको बता दें कि इन्हें नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद गिरफ्तार भी किया गया था। सदव जाफर का कहना है कि उनके खिलाफ तोड़फोड़ का कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो इस योगी सरकार के आदेश के खिलाफ अदालत का रुख करेंगे। CAA और अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे लोगों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो लोग शरणार्थियों के अधिकारों पर ज्ञान देते हैं वो CAA का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान का हवाला देने वाले 370 हटाए जाने के विरोध में हैं। जो लोग दुनिया भर को शरणार्थी अधिकारों को लिए शरणार्थियों को अधिकार देना चाहिए, उसके लिए दुनिया भर में ज्ञान परोसते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, वो शरणार्थियों के लिए जब CAA का कानून बनता है तो विरोध करते हैं। कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वक्त दुनिया के सामने कोरोना वायरस एक बड़ी चुनौती है जिससे हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। हर युग में नए नए चैलेंजेस सामने आते हैं, हमारी कोलैबोरेट टू क्रिएट की स्पिरिट को टेस्ट करने के लिए, उसे और मजबूत करने के लिए, जैसे आज कोरोना वायरस, इसके रूप में एक बहुत बड़ा चैलेंज एक दुनिया के सामने उभर करके आया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इसे आर्थिक जगत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज माना है। आज हम सब को मिलकर इस चुनौती का सामना करना है। कोलैबोरेट टू क्रिएट की संकल्प शक्ति से हमें विजयी होना है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। नया मामला दिल्ली के उत्तम नगर का है, जहां थाईलैंड और मलेशिया से लौटे एक शख्स में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। इसे मिलाकर देश में कोरोना संक्रमण के कुल 31 मामलों की पुष्टि हो चुकी है।
इससे पहले गाजियाबाद के एक 57 साल के शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई थी। वो हाल ही में तेहरान की यात्रा से लौटे थे। उसे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। उसकी पत्नी और बेटे को गाजियाबाद के ही AAG डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा गया है। इसके अलावा स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने उस शख्स के 3 कर्मचारियों को घर में ही आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। अभी देश में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है। 23 अन्य लोग जिनमें कोरोना वायरस की मौजूदगी के संकेत मिले हैं, उनके सैंपल को फाइनल टेस्ट के लिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया है। अगर फाइनल टेस्ट में भी ये पॉजिटिव पाए जाते हैं तो भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले 50 के पार हो जाएंगे। मास्क के बारे में पैनिक ना फैलाने की जरूरत है, और खासकर जो लोग मास्क के नाम पर बाजार में लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और दाम बढ़ा रहे हैं और जो हर तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं सोसाइटी की, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, और इसके लिए जो भी संबंधित लोग हैं जो इसके बारे में एक्शंस लेने के लिए सक्षम है, वो सभी सिस्टम्स को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में इस वक्त 3 तरफा खतरा मंडरा रहा है। देश अभी सामाजिक सौहार्द के विघटन, आर्थिक मंदी और वैश्विक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, कार्यों से भरोसा दिलाना होगा कि वो हमारे सामने मौजूद खतरों से परिचित हैं। उन्हें देश को आश्वस्त करना होगा वो इससे पार पाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। द हिंदू में लिखे लेख में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की मौजूदा स्थिति को भयावह करार दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लिखा है कि बहुत भारी मन से मैं ये लिख रहा हूँ कि मैं खतरों के इस जमघट से बेहद चिंतित हूँ, जो न सिर्फ भारत की आत्मा को तोड़ सकते हैं बल्कि आर्थिक और लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में हमारी वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हमारे समाज के उद्दंड वर्ग, जिसमें राजनेता भी शामिल थे, की ओर से सांप्रदायिक तनाव को हवा दी गई और धार्मिक असहिष्णुता की आग को भड़काया गया। मनमोहन सिंह ने लिखा है कि अभी देश में विस्तृत और सटीक वित्तीय योजना लागू की जाए ताकि खपत की मांग बढ़े और अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। और एक बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले की सुसनेर सीट से निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह ने सीएम कमलनाथ से मुलाकात की है। सीएम हाउस में मुलाकात के बाद राणा विक्रम सिंह ने कहा है कि उनके ज़िले में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ़ हो गए हैं, इसलिए वो कमलनाथ से व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्रभावित हैं और उनका समर्थन कमलनाथ सरकार को है। राणा विक्रम सिंह का ये समर्थन सीएम कमलनाथ को ऐसे वक्त में जब मध्य प्रदेश में विधायकों की उठापटक का मसला अभी थमा नहीं है। कौशल किशोर चतुर्वेदी जुड़ गए हमारे संवाददाता इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। कौशल, राणा विक्रम सिंह की ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है, वो किस दल से हैं और इसका क्या असर होगा? पंकज जी, मैं आपको बता दूं, राणा विक्रम सिंह निर्दलीय विधायक हैं और मध्य प्रदेश में फिलहाल जो स्थितियां बन और बिगड़ने की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उसमें निर्दलीय विधायकों का महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका है। और ऐसे में राणा विक्रम सिंह का जो समर्थन खुलकर आया है, इसके निश्चित तौर से एक कांग्रेस और कमलनाथ दोनों के लिए बहुत मजबूती वाला संकेत माना जा सकता है। वैसे हम आपको बता दें कि जो पिछले दिनों से जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसके बाद से खुलकर विधायक सीएम कमलनाथ से मिल रहे हैं और उनके प्रति अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रहे हैं और पार्टी को समर्थन उनका है यह जता भी रहे हैं और खुलकर बता भी रहे हैं। तो ऐसे में जब से ये जो विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला चला है और सरकार के अस्थिर होने की जो एक बात सामने आई है, तब से लगातार ये स्थितियां हैं और वो विकास कार्य का हवाला देकर वो साथ देने की बात कह रहे हैं। कौशल, विकास कार्य का हवाला देकर इस समय मुख्यमंत्री से मिलने का एक राजनीतिक संदेश जरूर है। अभी बीजेपी के एक विधायक ने आधी रात के बाद मुलाकात की थी कमलनाथ से, वो क्या प्रकरण है और उससे क्या चीजें सामने आई हैं? और डंग ने जो कल कांग्रेस के विधायक थे जिनके इस्तीफे का बहुत चर्चा हुआ, उसमें क्या हुआ?
देखिए हरदीप सिंह डंग अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जैसा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, भरोसा जताया कि डंग कांग्रेस के साथ हैं, और वो जो एक लेटर जिसको इस्तीफा कहकर प्रचारित किया गया वो एक उनका स्टेटमेंट है, उनकी भावनाएं हैं, उनके क्षेत्र के विकास की उनकी जो मन की बात है उन्होंने उसके जरिए व्यक्त की है। लेकिन जो भी विधायक हैं जो कहीं ना कहीं अभी सामने नहीं भी हैं उनसे भी कांग्रेस संपर्क में है और सभी का समर्थन कांग्रेस को है। और जहां तक कल जो विधायक की बात कहें, नारायण त्रिपाठी मैहर से विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री से मिले थे और विधानसभा अध्यक्ष से भी मिले थे, और उन्होंने कहा था कि विकास को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो एक छवि है वो एक विकास पुरुष की छवि ही मानी जा सकती है, क्योंकि वो सीधी बात करते हैं और उनका समाधान भी करते हैं जो लोगों की समस्याएं होती हैं। आज एक और विधायक संजीव सिंह कुशवाहा मिले थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में ओलावृष्टि और उसके सर्वे की बात कही थी, मुख्यमंत्री ने उनको भी आश्वासन दिया है कि ओलावृष्टि का सर्वे भी होगा और किसानों को मुआवजा भी जल्द देने के निर्देश उन्होंने जिला प्रशासन को दिए। तो ये जो चाहे किसानों की ऋण माफी से लेकर जो भी सारे काम है वो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के विकास के लिए लगातार कर रहे हैं और इसी वजह से वो खुद को बहुत मजबूत मान रहे हैं। जी कौशल, तो बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस के विधायकों में असंतोष है, लेकिन बीजेपी के विधायक भी आधी रात को कमलनाथ से मिल रहे हैं और विकास की बात कह रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ के प्रति एक विश्वास का मामला बनता दिख रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश के नेता बिकाऊ नहीं है, ये सिद्धांतों और सेवा की राजनीति करते हैं। हमें अपनी राजनीति की भी ऐसी पहचान बनानी है कि हमें गर्व हो, ऐसी पहचान बनाएं कि हम छाती ठोक के कह सकें कि हम मध्य प्रदेश से हैं। भोपाल में यादव समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के सियासी हालात की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारी राजनीति में कोई भी दल हो उनके सिद्धांत होने चाहिए, आज हमें रक्षा करनी है कि राजनीति में गिरावट ना आए। सब सोचते हैं कि ये बिकाऊ है, सब कहेंगे कि ये दब जाते हैं, सबको कहना चाहिए मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक व्यक्ति है वो बिकाऊ नहीं है, ये बिकाऊ नहीं है, ये सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, ये सेवा की राजनीति करते हैं। तो हमें अपने राजनीति की भी ऐसी पहचान बनानी है देश में, जहां मैं ज्यादा नहीं कह रहा इसमें, ऐसी पहचान बनानी है जहां हमें गर्व हो, ऐसी पहचान बनाए कि हम अपने देश में जहां भी जाए हम अपनी छाती ठोक के कह सकें हम मध्य प्रदेश से आए हैं, ये हमारा लक्ष्य है। उज्जैन जिले के तराना सीट से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने एक बार फिर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महेश परमार का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने पर करोड़ों रुपए देने की बात कही थी। कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आओ, पूरा ध्यान रखेंगे आप पर, पूरा मनचाहा पद देंगे आपको, मंत्री बनाएंगे, ये बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कही। कब चर्चा हुई थी ये? एक और दो तारीख को हुई, एक तारीख को उनका फोन आया, दो तारीख को फोन आया, मैंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ नेताओं को स्वागत भी कराया और लगातार मैं आप सबके माध्यम से कह ही रहा हूँ कि उन्होंने मुझे खुले रूप से ऑफर दिया और बोला। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी, बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 एकड़ ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड भोपाल, कॉल 9165025500। RKDF University, a world-class university, जहां students को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो job creators बन सके, ना कि सिर्फ job seekers. So join NIRF-ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1-800-270-0320। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है।
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने साल 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 24 की व्याख्या वाले मामले पर फैसला दे दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि इस कानून के पारित होने से पहले तक अगर साल 1894 के पुराने कानून के तहत जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है लेकिन कब्जा नहीं किया गया है तो मुआवजा प्रक्रिया की कार्रवाई फिर से शुरू नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने माना कि जमीन के मालिक ये नहीं कह सकते हैं कि मुआवजा राशि को कोर्ट में जमा कराया जाना चाहिए था, नहीं तो पुराने कानून के तहत इस कार्रवाई को खत्म माना जाएगा और साल 2013 के नए कानून के तहत फिर से मुआवजा प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ये फैसला जो है गरीब आदमियों के और जिनकी जमीन ले ली गई है उनके खिलाफ है और इस फैसले को अगर माना जाए तो जो नया एक्ट है फेयर कंपनसेशन एक्ट जो 1/1/2014 से लागू हुआ है उसके सारे मीनिंग ही बदल दिए गए हैं और वो सारे एक्ट ही अपने आप में रिडंडेंट और यूजलेस हो गया है। आपने तस्वीर देखी, जमीन बचाने के लिए अर्ध समाधि लगाए हुए किसान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। मौसम के यू टर्न का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फ पड़ रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी हो रही है जिससे सैलानियों की यात्रा का आनंद दोगुना हो गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में बादल बरसे। दिल्ली NRC के NCR के कई इलाकों में बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है। होली करीब आ रही है। जयपुर में विभिन्न जगहों पर फागोत्सव के आयोजन हो रहे हैं। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी महाराज के मंदिर में पिछले कई दिनों से फागोत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। रोजाना दिन में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष फूलों की होली खेली जाती है। सैकड़ों की संख्या में भक्त फागोत्सव में शामिल हो रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर ट्रस्ट के प्रवक्ता पंडित मानस गोस्वामी का कहना है कि ये फागोत्सव धुलंडी तक जारी रहेगा। मंदिर श्री गोविंद देव जी में फागोत्सव का बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत रचना की झांकी से 18 फरवरी से हो गई थी। 9 तारीख को यहाँ पे प्रातः काल 12 बजे ठाकुर श्री जी एवं भक्तों के बीच गुलाल से एवं केसर मिश्रित गुलाब जल से होली खेली जाएगी और सायंकाल को महाप्रभु जयंती के पावन पर्व पर ग्वालजा के पश्चात उनके अभिषेक दर्शन होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से www.newsplatform.in पर पढ़ सकते हैं। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।